अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी हमारे पास ये टैब आया है सैमसंग का, और इस पे लगा है पासवर्ड लगा हुआ है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसका पासवर्ड। ये देखिए, यहाँ पे ये पासवर्ड लगा। तो अभी हम इसको हार्ड रीसेट करेंगे। उसके लिए आपको पीसी या लैपटॉप चाहिए, मैकबुक भी चलता है। आपने पहले अपने लैपटॉप को लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट कर लेना केबल लगा के। ये देखिए, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अभी हमने क्या करना है, सिंपली वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, ये दोनों एक साथ दबाएंगे। जैसे ही हमारा जो टैब है वो ऑफ होगा, उसके बाद हमने वॉल्यूम डाउन बटन छोड़ के वॉल्यूम अप बटन दबा देना है। और जैसे ही सैमसंग का लोगो आपको शो होगा, फिर आपने पावर वाला बटन भी छोड़ देना है, और सिर्फ वॉल्यूम अप बटन जो है वो दबा के रखना है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। देख लें, तो ये आ गया अभी रिकवरी पे। ठीक है, और ये मॉडल है टैब A7, और वैसे इसका मॉडल है T505N। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे। उसके लिए आपको पावर वाला बटन, जो वॉल्यूम डाउन बटन है, वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यूज़ वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड पावर। वॉल्यूम बटन अप डाउन से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, और पावर वाले बटन से आप दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम ये वाइप डाटा फैक्ट्री सेट पे ले आए हैं इसको, तो पावर का बटन दबा के हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली। फिर वॉल्यूम डाउन बटन दबा के फैक्ट्री डाटा रीसेट पे लेके, तो पावर का बटन दबा के हम इसको वाइप कर देंगे। ये देखिए हो रहा है, लिखा आ चुका डाटा वाइप कंप्लीट। और ये देखिए, जैसे ही वो कंप्लीट होगा, खुद ब खुद ये रीबूट सिस्टम पे आ जाएगा। तो सिंपली आपने बस पावर का बटन दबा के टैब को रीबूट कर लेना है। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे टैब ऑन होता है फिर मैं आपको बताता हूँ इसका पासवर्ड खत्म हो चुका है कि नहीं। अभी इसकी केबल भी उतार देते हैं।
ये तो दोस्तों अभी हमारा ये टैब ओपन हो चुका है और इस पे पासवर्ड जो लगा था वो खत्म हो चुका है, यानी कि ये हार्ड रीसेट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।